ऑल माई ब्यूटीफुल्स एंड अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल एंड आप लोगों की आयुषी आ गई है एक और वीडियो के साथ तो आज की वीडियो जो होने वाली है ना वो एक ग्लो अप सेशन होने वाला है एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज बहुत दिन हो गए थे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी एंड आई होप आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा एंड दिस इज बिकॉज बिकॉज एक एक लाइक टेन टू ट्वेल्व आर ऑफ़ जॉब के बाद एक यूट्यूब को रन करना इट्स डैम डिफ़िकल्ट मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मेरे को एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता बट आई होप आई ट्राई माय बेस्ट मैं सच्ची में अपनी पूरी जान लगा दूँगी इस यूट्यूब चैनल को रन करने के लिए एंड आई होप मैं दोनों चीज़ों को एक साथ चला पाऊँ सो so, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो की बात कर लेते हैं तो आज की वीडियो में ग्लोब सेशन होने वाला है एक एक होता है ना यार अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है तो आज हम अपने आप को हमारी बॉडी को हमारी स्किन को एक अच्छे से टाइम देने वाले हैं एक ग्लोब सेशन करने वाले हैं तो ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता है thinking of, thinking of you. एक आइज तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप में वो हम हेयर रिमूविंग करने वाले हैं आप देख सकते हो मेरे हाथ पे बिल्कुल भालू जैसे बाल हो गए मैंने बहुत दिनों से हेयर रिमूव नहीं किए थे ओनली बिकॉज ऑफ दिस वीडियो तो अब फटाफट -फट कर लेते हैं तो अभी मैं जो मेथड यूज कर रही हूँ दैट इज एपिलेटिंग मुझे ये मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है आई थिंक टू टू थ्री ईयर्स हो गए होंगे मैंने अभी तक वैक्सिंग नहीं कराई है जब से मैंने एपिलेटिंग स्टार्ट की है और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी होता है जस्ट आपकी एक बार की इन्वेस्टमेंट है बार बार पाला जाने से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है एक बार किसी अच्छे से एपिलेटर में इन्वेस्ट कर लो और आपके हेयर एकदम रूट से रिमूव हो जाएंगे जो बिल्कुल वैक्सिंग वाली फिनिशिंग होती है ना वो आपको मिलेगी और काफी कम टाइम में भी हो जाते हैं काफी इकोनॉमिकल फ्रेंडली है तो मुझे ये वाला मेथड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने अपने एक हाथ पे कर लिया आई होप आप डिफरेंस देख पा रहे और अगर नहीं दिखाई दे रहा है ना देन आई एम सॉरी मेरा बेचारा फोन इतना ही लोड ले सकता है उसके बाद हम दूसरे हैंड पे भी कर लेते हैं फ़टाफट और ये जो फीलिंग होती है ना जब पूरे हेयर रिमूव हो जाते हैं बाय गॉड बड़ी सेटिस्फैक्ट्री होती है बिकॉज इतनी स्मूथ स्किन फील होती है तो फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं और अंडर आर्म्स के लिए भी मैं एपिलेटिंग ही यूज़ करती हूँ इन शॉर्ट मैं पूरी बॉडी के लिए एपिलेटिंग ही यूज़ करती हूँ अंडर आर्म्स के टाइम पे ये थोड़ा पेनफुल होता है बिकॉज वहाँ की स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है तो यहाँ पे ये पेनफुल हो सकता है बट मैं थोड़ा टू हो गई हूँ अगर आप एपिलेटिंग यूज़ करना चाहते हो तो आप थोड़े टाइम में यूज़फुल हो जाओगे पेनफुल होता है सेम एज़ वैक्सिंग बिकॉज इसमें भी आपके हेयर जो रिमूव हो रहे हैं वो रूट से रिमूव होते हैं सो वी आर डन और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाली हूँ फेस शेविंग अब पूरी बॉडी के हेयर रिमूव हो गए हैं तो फेस को भी क्यों छोड़ना ना और अभी जो मैं फ़ेस शेविंग कर रही हूँ मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइफ में अपनी पहली बार फेस शेविंग की थी तो उसका एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में हर जगह दे दूँगी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा तो मैं फेस शेविंग कर लेती हूँ फटाफट और जब इस तरीके से हेयर रिमूव होता है ना बाय गॉड और वो जो हेयर निकलते हैं वो इतना सेटिस्फैक्ट्री लगता है ना मुझे तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार फेस में इतने बल दिखते तो है नहीं आ कहाँ से रहे हैं और पता है मुझे फेस शेविंग की ना एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मुझे लगता है कि मेरा जो कलर है ना थोड़ा इन हो गया मैं थोड़ी गोरी गोरी हो गई हूं तो अभी हमारी फेस फेस शेविंग हो गई है उसके बाद हम करने वाले हैं हमारे फेस को मैं पे स्क्रब स्क्रब यूज़ यूज़ कर रही आप आप कोई भी स्क्रब यूज़ करो आप चाहो तो होम मेड स्क्रब होते हैं ना वो भी प्रिपेयर कर सकते हो और मेरे को स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज मुझे ना एक सेटिस्फेक्ट्री वाली फीलिंग मिलती है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो पूरे फेस पे लगते हैं आपके पूरे डेड स्किन को निकाल देते हैं और वैसे भी मैं फरीदाबाद जैसी सिटी में रहती हूँ विच इज लाइक इतना पॉल्यूशन होता है यहाँ पे तो मैं तो जब भी शावर के लिए जाती हूँ ना जनरली जब भी मेरा मन करता है मैं तब भी स्क्रबिंग कर लेती हूँ तो अभी फिलहाल हम ये स्टेप करने वाले हैं टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए जब भी आपको लगे कि हाँ ठीक है इनफ हो गया है तब तक के लिए आप स्टेप कर सकते हो जब तक कि आपको एक अच्छी वाली सेटिस्फैक्ट्री वाली फीलिंग मिल रही हो जस्ट सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन को अच्छी सी प्यारी सी मसाज दीजिए ना ज्यादा हार्ड करना है ना ज्यादा मतलब सॉफ्ट हैंड से करना है टेक इट लाइक अ मीडियम मीडियम तो फटाफट ये वाला स्टेप फिनिश कर लेते हैं और अभी पता है वॉइस ओवर करते टाइम ना मुझे ऐसे भूत वाली फीलिंग आ रही है गॉड क्या क्या करना पड़ता है ना कैमरे के सामने आप लोगों के लिए वीडियोस के लिए तो प्लीज़ यार जस्ट जस्ट अप्रिशिएट एवरी यूट्यूबर मेरे को लगता है कि हर किसी के काम को का अप्रिशिएट करना चाहिए तो अब जल्दी बातें नहीं करते और ये काम फिनिश कर लेते हैं जो अभी हम कर रहे हैं एंड वी आर डन गाइज अब फटाफट हमारे फेस को क्लीन कर लेते हैं आप किसी वेट टावल का यूज़ कर सकते हो या नॉर्मली जाके अपना फ़ेस भी वॉश कर सकते हो वैसे मैंने खुद जाके अपना फ़ेस वॉश किया था बिकॉज़ ये टावल वगैरह वाले जो सिस्टम होते हैं ऐसे वीडियोज़ में अच्छे लगते हैं अच्छे से क्लीन तो फेस वॉश करने के बाद ही होता है तो फेस वॉश क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे पैक का यूज़ करने वाली हूँ अगेन मैं वही बोलूँगी कि आप किसी होममेड पैक का भी यूज़ कर सकते हो और मेरे को ना पर्सनली होममेड वाली चीज़ें करनी ज़्यादा अच्छी लगती है बट क्या करूँ यार थोड़ा टाइम की कमी की वजह से थोड़ा शॉर्टकट अपनाने के लिए हम कर लेते हैं मतलब थोड़ा लालच आ लाला चार्जा आई नो आप लोग मेरी इस फीलिंग के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे तो फिलहाल हम पिंक कलर का भूत बन गए हैं बिकॉज हमने अपना पैक लगा लिया है और जब तक ये सूखता है ना तब तक मैंने सोचा पंद्रह बीस मिनट लगेंगे तो तब तक हम अपनी स्किन को भी थोड़ा प्रैप कर लेते हैं तो यहां पे मैं अपने हैंड्स पे और लेग्स पे दोनों पे स्क्रबिंग करने वाली हूं तब तक ये पैक भी सूख जाएगा और पता है वैसे भी यार समर चल रहे हैं टैनिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कितना ही आप बच लो कितना ही आप अपने आप को कवर कर लो तो अपने टैनिंग को ना साथ के साथ निकालते रहना चाहिए आप जब भी शावर के लिए जा रहे हो या कभी भी नॉर्मली जब भी आपको टाइम मिले अपना स्क्रब जरूर कर लो थोड़ी टैनिंग निकल जाती है और मैं ना स्क्रबिंग अंडर आर्म्स में करना भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ बिकॉज एक वो होता है ना आप हेयर रिमूव करने के बाद ब्लैकिश वाला जो स्किन का कलर हो जाता है अंडर आर्म्स के अंदर अगर आप उसे छुटकारा जाना चा, पाना चाहते हो और आपको एकदम ईवन टोन स्किन चाहिए अंडर आर्म्स में भी तो स्क्रबिंग ज़रूर किया करो वहाँ पे वो आपके डेड स्किन सेल्स को हटा देगा और आपको काफ़ी इवन टोन स्किन देगा तो ऑलमोस्ट स्क्रबिंग हमारी हो गई और हमारा पैक भी काफ़ी हद तक सूख गया है अब फटाफट हमारे हाथों को क्लीन कर लेते हैं और बाय गॉड ना इस स्टेज पे इतनी स्मूथ वाली फीलिंग आ रही थी ना मतलब इतना अच्छा लग रहा था अपनी बॉडी को अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है गाइज आप कितने बिजी हो अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करो और फटाफट इसे क्लीन कर लेते हो मैं ये प्रोसेस ना मैं ये एक महीने में एक बार कर लेती हूँ आराम से कभी नहीं हो पाया तो अलग बात है बट एक महीने में एक बार हो जाता है और स्किन हमारी ऑलमोस्ट प्रेप हो गई है और बाइकुट इतना सॉफ्ट फील हो रहा था ना तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत ब्यूटी शॉर्ट्स दे देते हैं थोड़ा ओवर एक्टिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं वो करने की कोशिश कर रही थी तो आ, स्किन प्रेप के बाद अब बात आती है हेयर केयर की के, बिकॉज यार हेयर केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मली जो प्रोसेस है ना मैं ये सैटरडे को करती हूँ ताकि मैं संडे को अपने बालों को वॉश कर पाऊँ और सैटरडे नाइट को मैं ऑयलिंग कर पाऊँ तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर रही थी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लिए अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ले लो उतना अंदाज़ा तो आई नो आप लोगों को हो गई और जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ ना उससे नेक्स्ट डे मैं एक हेयर मास्क लगाना पसंद करती हूँ बाय गॉड बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर मास्क है सारे नेचुरल इन्ग्रीडेंट हैं उसमें बट वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ किसी और दिन शेयर करूंगी और अभी हमारा हेयर केयर ऑलमोस्ट हो गया है अब हम करने वाले हैं नेल एक्सट्रेन टोटली आपकी चॉइस है अगर आप चाहो तो नेल एक्सटेंशन कर सकते हो नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं हमारे थोड़ा मतलब एक कहता है ना कि थोड़ा पोर्स लुक मिल जाता है आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एक अच्छे से अगर आपके प्यारे से हैंड्स है तो फिलहाल हम नेल एक्सटेंशन कर लेते हैं और इसकी जो पूरी वीडियो है ना ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो इस वीडियो में आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी कैसे आप घर पे नेल एक्सटेंशन कर सकते हो बट उस वीडियो को जाके देख लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा तो इस वीडियो को देख लेना काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइजेस में आप लोग नेल एक्सटेंशन कर सकते हो घर पर बिल्कुल पता नहीं लगता यार कि वो ऑरिजिनल नहीं है सो गाइज़ आई होप यू लाइक दिस वीडियो और तब तक लिए टाटा बाय बाय हैव अ नाइस डे अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन है देन प्लीज लेट मी नो तब तक लिए बाय बाय गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे बाय बाय